भारतीय रेलवे ने अब अपने काफी सारे जोनल रेलवे डिविजन्स को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द वो वैकेंट रेलवे लैंड को आइडेंटिफाई करे, चाहे वो कोई भी लैंड हो, पार्सल या फिर अलोंग दी ट्रैक्स, वैकेंट रेलवे प्लॉट्स कहीं पर भी अवेलेबल हो, उन सब को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाए। इसी पर अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पर टोटल 51,000 हेक्टर्स ऑफ वैकेंट लैंड रेलवे का अभी फिलहाल आइडेंटिफाई हुआ है। और यहाँ पर इनफैक्ट रेलवे ने तो काफ़ी सारे पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। इसमें से 3 प्रोजेक्ट्स शामिल है 50 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑन वैकेंट अनयूज लैंड जो कि भिलाई में लोकेटेड है इन छत्तीसगढ़। फिर 2 मेगावाट सोलर प्लांट ये लोग लगा रहे हैं इन हरियाणा और 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश। सुनाओ, अब ये जितने भी प्रोजेक्ट है अपने आप में ही सबसे ज्यादा अनोखे है, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी नहीं देखने मिलेंगे। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिकॉज यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि जो सोलर पावर जनरेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली फेड किया जा रहा है यहाँ पर जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम्स है फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन उनमें। अदरवाइज नॉर्मली आपने देखा होगा यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे काफी सारे बड़े कदम उठा रही है। रेलवे ने अब यहाँ पर प्लान किया है कि 20 गीगावाट के वो सोलर प्लांट लगाएंगे, सब भी उनके जितने भी अनयूज्ड वैकेंट लैंड पड़े हुए हैं ऐसे ही वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोलर की कैपेसिटी बढ़ाने में इन सभी लैंड्स को यूज किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ऑलरेडी 600 रेलवे स्टेशन को सर्टिफाइड मिल चुका है। यहाँ पर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इन सभी स्टेशनों पर अब आने वाले समय में काफी प्रोग्रेसिवली काफी तेजी से सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट अब जल्द ही रेलवे का भी आ रहा है, दिसंबर 2023 तक इन्हें अपना पूरा जितना भी अभी बचा खुचा रूट है जो इलेक्ट्रिफाई नहीं है यहाँ पर भी इन्हें पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी अचीव करना है। इसके साथ ही 2030 तक कार्बन न्यूट्रल रेलवे बननी है। सो काफी सारे नए नए इनिशिएटिव्स अब भारतीय रेलवे ले रही है, चाहे वो ट्रेन्स के मामले में क्यों ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर कोई भी दूसरी सुविधाएं को लेकर ही क्यों ना हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।